और जी आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं, अल्लाह पाक दा लाख लाख शुक्र है। हाँ जी, ते भाई आबेद भी जेना चिमनी जेना बनाई खोतना, इथो जेना सुराखा चू जेना धुआं निकलता रहेगा, और थोड़ी जी चैड़ी करके बनी है ताकि जेना बारह जसन पानी नहीं निकले अंदर जाएगा। हाँ जी, ते तिना साइडा नु जेना छत लेवल कर लिया, हुण जेना इथो नाल सारी छत जोड़ते आवांगे। हाँ जी, ते लाइट भी आ गई, और एक साइड वालू जेना दीवार जी उसर गई, दूसरी साइड वालू उसार रहे ने, क्योंकि इतने जेन हूँ लग रही है चौरस। हाँ जी, ते अगला काम जेन हो गया मुकम्मल, और ऐ वाला जो मसाला साडा वधिया सी, और सिंक दे जेना काफ़ी सारी परेशानी सी, अजे भी खत्म हो जानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दुआ करना मेरे तमाम बहन भरा जिथे रहे मैं खुश रहे बाद रहे हमेशा से मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और जी काम जेना करता शुरू, और मिट्टी जेना छत ऊपर जेना सारी पुचा ली, बस दो बट्ठल जेना होर लैके जेना जाने ने, बाकी मिट्टी जेना सारी छत ऊपर जेना पहुँच गया। संत मैं खड़ोते रहे इतने जेन पौड़ी तो भाई बरार जेना इतों पकड़ाते रहे, भाई आबद जेन ऊपर जेना छत ऊपर जेना मिट्टी जेना पहुँचाते रहे, और तकरीबन छत जेना मिट्टी होगी पूरी, दो बट्ठल जेना होर थोड़े दिन वह जेना सिर्फ उपर जेना सीटने ने, और बेगम साहब जेना टाइम रोटी सालन की जेना तैयारी कर रही, और बेगम साहब जेना पानी गर्म कर रहे आटे गुन्न कर। हाँ सही है, टाइम ना जेना पक जाएगी, ठीक हो गया। हाँ, और निजाब फातिमा तो नुमान जेना इधर खेल रहे ने, और मैं भी जेना चलिया हूँ उपर जेना छत, और मिट्टी का जेना बट्ठल जेन दो रह गए ने भी जेन उपर पकड़ा लिए। और बड़े ही गरम दस्ताने पाल ही चंगे हैं। हाँ जी, ते मिट्टी जेना हो गई है पूरी, और छत उपर जेना आ गया, भाई आबेद भी जेना हूँ कर रहे फट्टी नाल जेना मिट्टी नू लेवल लेवल करके फिर जेना जोड़ने टैलां टैलां जोड़ के मसाला जेना इत्थे छत उपर जेना बना लवेंगे, फिर सीमेंट भी उपर लैके आ जावेंगे, रेत ही के थले जेना मिक्स करके उपर बना लिया जिवें पहले किया। हाँ, थले रला के ना हाँ टैलां जोड़ के उस तो बाद झाड़ू ला के जेना इस जगह ते जेना बना लवेंगे। और रोड़ियाँ जी थोड़ी बहुत बाई बरार फिर इन्नी जी ने नीवी रखी है इतने हूँ बराबर आ जाए की टैला। हाँ हाँ, गिली मिट्टी है ना ना गणा मांड ना थलो टैल ना टुट जाए। हाँ दस्ताने पाने नी कपाल आ हाथ हूथ बिलकुल नहीं ठरते नहीं इंदे। चलो ठीक, नीवा उच्चा है कि मैं लेवल नहीं होया अली तिकर। अच्छा ठीक, टैलां नू चलो ठीक मोटर चलवा लेंगे, पर अली उधर वाल ही बंद करना, चलो वाल बंद करके मोटर जेना चला के जीना आ जाने।
और पानी जो असी लाया ना टैलों बनेले तो डाल गई है तोड़ तिकर जाना पानी ऐ माड़ा मोटा खड़ोता ज्यादा पानी जो कौन खड़ोता भी इस जगह पर खड़ोता बाकी सारा पानी जाना परनाले रस्ते जो थले रोड वाले निकल गए और दो तंदूरियां भी जी बेच गई रोड वाले जाना पानी निकल गया और ए मिस्त्री भी जाना कह रहा कि अज जाना मैं आना चादर का टोटा जो लाने वास्ते ना भी गैप वगैरह जाना खत्म हो जाएगा ना ये भी नाल नाल परेशानी खत्म होगी बारिश ही एक दो दिन तक जी आनी है और उपाय नहीं जी निकाल करने भी लाजमन जाना जान के ये आला टोटा जो तुम बना दो शटर का वो नाल थले जो गैप है ना उन्दे बेच मैं खो जो शीट जी ला देवे लोहे की हाँ पानी उपर पवेगा ना खराब होगा तो जो पेटी वाला चादर का टोटा नहीं होंगे लोहे की शीट जी वो ला देगा ट्रिप्टा ना तो सैट हो जाए हाँ वो सैट हो जाए उतरू पीपे न थोड़ा जहा वो सैट हो जाए और असं भी जी डे टैल होना बस अलेवल हो जाती टैल मिस्त्री बन पकड़ा जाना तो फौरी तौर जुड़ जाएगा असं कहने रोटी तो पकद्या तिकर जाना छात में असं मुकम्मल कर ली उस तो बाद जाना अद्धी दिहाड़ी जी थले लाग जाए चिमनी जी उसर जाएगी और अज काम जाना खत्म हो जाएगा एवें ना सर इंशाल्लाह अज काम खत्म होगा हाँ जी तो सारी छत जी फटिया ना कुट के कर ली अलेवल हूँ किधरे जी मोटी रोड़ी जी नहीं बची आ भाई आवे तो मैं दसन ने जो तिना जन रल के जो छाती बरीक रोड़ी जी खत्म करती है सोटा लैन और दो जी फटियाँ इन्होंने जी बरीक तरीके ने जी कुटाई कर ली है हूँ जी टैलों जोड़नी जी शुरू करने टैलों जोड़ के फिर मिसाला बनावेंगे हाँ जी तो टैलों जोड़नी जी कर और एक मसला बन रहा है इतनी जाना थले छत गिली और इधरों मिट्टी है आगे तक कड़ता नहीं बनने जाने इन्हें कौन जोड़ा ये हल्दियां नहीं इन्हें चाचू जो उत्तर जोड़ गया टैल ना वो सुबह वाकई सुबह ला दी हल्दी सुबह भी इनकी वजह से मिट्टी बहुत पाई है इतने थोड़ी मिट्टी पाई है उस जगह से हल्दी भी उचिया नीवियां ने ना कड़ियां बहुत ज्यादा ऐसे तो पाई है नहीं हल्दियां मिट्टी चमन गया इधर आ जाता बस लै आंदे नूं लेवल होगा ना चाचू जी का लेवल करके उस बाद ही अगे जोड़न चाची बरार ही थलो जी मिट्टी पार के लिया रहे ने जी ना थोड़ी बहुत उची नीवी जगह हुई उस जगह से मिट्टी पा के तो उतु लेवल हो जाएगी हाँ क्योंकि और जगह भी थोड़ी जी नीवी हैगी उ भी एक बठल पैना है तो बाकी एक बठल जरा अगे खिलार लगन हाँ जी तो तिना सैडा जीना छत लेवल कर ली आ हूँ जाना उतों ना सारी छत जुड़ते आवेंगे नाल नाल मिट्टी भी जी ला रहे भाई जिते जो नीवा उची जगह ना वो मिट्टी पा के जी पूरी करते आते हैं ताकि जाना किधरे पानी ना रुके वो छोटी छत पानी नहीं रुकेगा भी नहीं जोर की डलान काफ़ी सारी है ना हाँ और अल्लाह पाक का लख लख शुक्र आ किचन तेंज करके सारी छत निको जी हो गई एक साइड वाल पानी जाना जाएगा और बहुत ही वधिया जेड़ा ना काम हो गया हाँ बहुत ही वधिया जेड़ा ना काम हो गया बहुत ज्यादा जेड़ा खुश हो रहा मैं हाले तक छत जी कंप्लीट नहीं हुई थी कितनी खूबसूरत लग रही है और सालन जेड़ा बन रहा सालन भी तकरीबन अद्धा घंटा जेड़ा और लग जाए रम्मी पूरी जेड़ा आ गए सामने जेड़ बैठे ने और तकरीबन जाना अद्धा घंटा और सालों में जाना लग जाना और आज असी जाना बना रहे हैं पाए इबरार हो रहा हूँ कि भाई पैर ही स्लिप हो सकता बनेले तो ना बै हाँ हाँ क्योंकि चिक्कड़ जब पैरों के नाल लगे हुआ ना तो स्लिप हो सकते हैं पैर एहतियात जरूरी है ना कल वाग इन्हों को पहले पूछा मैं क्या पाए जेन खा लें को कल असी जेन बनाई सी ओजरी अज जेन बना रहे हैं पाए पहले पूछा मैं क्या जेन खाने नहीं तो फिर जेन बना दें नहीं
ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ ਮੇਨ ਤੇ बकरा जेड़े दिन तकसीम किया भाई बरार तो कोई नहीं गोश्त लै गया सी भाई आबे दिन नसीबा सी काम काम वालों हटे आए उस दिन हाँ काम वालों जेड़े वापसी आ रहे थे तो असं जेड़े गोश्त असन तो मैं तकसीम कर रहे थे ना तो भाई आबे द आ गए और इन्होंने नसीबा से भी लै गए फिर और सर्दी इन्नी महसूस कोई नहीं हो रही एक टेस्ट करके सर्दी महसूस नहीं हो रही क्योंकि आज हवा जी ना कोई नहीं है सवेरे फर्स्ट टाइम जी ना हवा तेज आई लेकिन हूँ इस टाइम जी ना हवा बिल्कुल जी ना कोई नहीं है सर्दी ज्यादा जी लगती है ठंडी हवा चले ना उन्होंने ज्यादा सर्दी लगती है अज मैं भी जी ना टोपी दस्ताने पाए हूँ कोई सर्दी महसूस नहीं हो रही है जी तो छत भी तकरीबन जी ना मुकम्मल हो खोती है बस अगली साइड जी ना रहेगी वो तैलें इनिया रह गई ना थले टोटे जे ना सारे जे चक लेने पैने जेडे गार्डन वाल पैन ना ये आले जेना चक के लियाने पैने है जेड़े पैने ये सारे टैलों के टोटे जेना चा के लैने कुछ ये टोटे पैने कुछ कचरे के बेच टोटे पैने और इतने जेने सन जेना सारा ही पूरा हो जाएगा और रोटी सालन का ही जेना सालन बनया कल नहीं बनया कला चलो ठीक बड़ी उपर जी ठंडी हवा चली खोती उत्थे आग ते तो सर्दी इन्नी कोई नहीं लगती लेकिन इतने जी बहुत ज्यादा ठंडी हवा जी चल रही है और मिट्टी नाल नाल सानू जी बठल बठल लिया लिया के सारी समझ लो थले वाली खत्म हुई खड़ी मिट्टी और थोड़ी जी जी रहेगी मैं तो क्या बचेगी मिट्टी लेकिन जी मिट्टी नहीं बची है ते असी भी आ गए थले और साढ़े आने तो पहला पहला नुमान काफ़ी सारे जेना रोड़े वगैरह जेने इतने कट्ठे कर लेन टैलों के और कलर वाली जी टैलें पी भी जेने उतु चा ली और बेगम साहब जेने दोपहर का खाना जेना बना रही है और ये टोटे जेने सारे उपर जेने पहुँचा के उत्थे उत्ते जेना कर लें तार अगर फिर भी जे इन्हें तू जेना फिर कोई घटे ना फिर वो वाले जेने टोटे पैन टैलों के वो वाले चा लवेंगे इतने असन काफ़ी सारे ने हाँ टैलों की जेना कोई टोटे वगैरह नहीं फिर आ जी ने पट ली सैल हाँ पट लवेंगे नहीं हो जाएगी पूरे अगू गटी ना दो तीन बार ही गटने बस नहीं तो हाली तो अपनी वाह फिर टैल पई है आए भी कुछ पे टैल ये सारिया अपनी काफी सारी पूरी हो जाए और जी असी लंबी जी बना रहे हाली दीवार से कल भी जेड़ ना बनेड़ा बनने लगे वार पट्टे से इस दीवार के नालों तो लंबी जड़ी बनानी ना तीन बार इतों ही जेड़ ना और पट लवेंगे तो लंबी जड़ी ना वो बन जाएगी इंशाल्लाह और हसन जी देख रहे फुल उपर वाइट कलर दे ना छोटे छोटे फुल एवं जेण आते हैं और आ पीला फुल तकरीबन हफ्ते डेढ़ तू खिलन लग गई लेकिन धुप ही नहीं निकली कोई नहीं तो कल धुप निकली आई जिन्हें डोडी खोल ली आई लेकिन आज धुप निकलती है खिल जाए हाँ हूँ धुप निकलेगी ना फिर जेना पता चलेगा इन्हों का असल तो एक बार जेने सारे कैंची ने तू गुलाब ला ले उस पिछे मुरझा के बूटे लेकिन उन्हें खाली नहीं करने जिन्हें फुल उपर लगे हो डोडिया ज्यादा लेंदे ने हाँ होने फुल तोड़ने नहीं फुल तोड़ लो तो रुक जाते बूटे खिलते ना हाँ चल बस कर दिन मान और पहले जेन उपर जे जपवा लेने उस तो बाद जेन देखा अगर होर थोड़ी ना मजीद फिर जेन उपर पहुँचा लवेंगे हाँ जी तो रोड़े जेन सारे उपर जेन लैके आ गए और इन्होंने तार भी कर लेने अच्छी तरीके साफ ही करने क्योंकि इन्होंने उपर मिट्टी वगैरह जी काफ़ी सारी जी जमी हुई है साफ हो जाएगी तार भी हो जाएगी और इन्ना सन जेना सा थोड़ा बाकी छत जी कंप्लीट हो गई है सन जेना थोड़ा और इतने जेना ये पूरे आ जाएंगे फिर जेना थले मसाला जेना उस दिन वाग रला के ना इत उपर लिया के जेना पानी पा लवेंगे तो काम जेना शुरू कर लवेंगे जी तो असी जेना थले आ गए रोटी जेना माशाल्लाह पा गई और रोटी जेना अबू जी भी खा रहे हैं बाकी भाई बरार थे भाई आबद भी जेना रोटी जेना खा रहे हैं और असी भी जेना खाने रोटी जेना पक रही है फिर असं तो मैं जेना रह गया असी भी जेना रोटी खा ली है इंशाल्लाह रोटी खा के फिर जेना मसाला जेना फौरन बनावे बल्कि चाय जेने एक दफा जेन पी के ना फिर जेना मसाला बना लवेंगे इतने मसाला जेना मेहनत बना लवेंगे उपर जेना फाड़ के ना पानी उपर छाते जेना पा लवेंगे उची गर्मो गर्म रोटी जी ना बन रही है हाँ जी तो अलहमदुल्ला रोटी खा ली है और बेगम साहब जी ने बना रहे ने चाय और भाई बरार ही जी मसाला बना बोरी तो बनाओ वो पहले बारह बटल रेत दे चलो ठीक हो गया और बोरी तो मसाला जी पहले बना लेने फिर जी जितना थोड़ा उन्ना मसाला जी और बना सा पिछले बोरी भी जी तकरीबन साढ़े खुद ही पई है डेढ़ बोरी जी पई है नहीं डेढ़ बोरी नू मेन दे छत हो जाएगी हाँ
मैं तो कहना बोरी नाली सर जावे क्योंकि थले जाने लंबी वास्ते भी सीमेंट चाहिए ना थोड़ी जी बनाने वास्ते देखांगे अद्धी क बोरी लंबी तो लगनी हाँ जी ते चाय जी ना पी लिया छत उपर आ गया आबिद भाई जे ना तराई ला रहे ने इटा नु अच्छी तरीके जे ना तार करके और मसाला जे ना बन गया असन जे ना गत करके असन आ जांदा ना फिर जिवें दिने मिट्टी जे ने उपर पहुंचाई ना पौड़ी ते दोवां जे ना असन जे ना खलो के ओवें जे असी दोवें पौड़ी ते रुकांगे भाई बरार थलो बठल बार के पकड़ावेगा और आबिद भाई जे ना इत्थे मसाले दी जे कर लेने डेरी और इत्थे जे ना पा लवांगे पानी और टेंशन खत्म ते इंशाल्लाह शाम तक जे ना साडा फरश वगैरह कंप्लीट हो जाना चिमनी का काम जो है ना वह भी असं इंशाल्लाह शुरू कर लेना दो चार भट्ठल और गए ने हूं मैं सीमेंट छो डरी ना हां जी ते मसाला जो ना सारा छत के उपर जो ना आ गया और माशाल्लाह धुप जी ना निकल आई आ और इतने जेना पानी पा के और काम जेना इंशाल्लाह जेना करने शुरू और तकरीबन एक घंटे तो पहले पहले जेना सी छत जेना वेले हो जाए क्योंकि छोटी जी जेने छत आ तो उस तो बाद जेना पहले तो जेना इतों दुमें कड़ा इस रास्ता जेना उपर जी छत जी बनान लगे उस तो बाद जेना सी जेना ए मसाला वगैरह जेना खिलार के फिर थले जेना चिमनी का काम वगैरह जेना वो शुरू कर नुमान ना कर दूर ना कर इटा उस घर के नालू भी पटनिया ने दस इटा जो उस घर के नालू जेना पट ला फिर आप उतू जी ना 100-150 फीट जी लगनी लंबी तो भी उतू ही पटनी असन चाय पी ला तेरी चाय पई घरे चला गया गर्म करती उन्होंने पी ला और चाय जी ना बिगम साहब उन्होंने गर्म करती असन दी जा पी के आ जाए फिर आप काम शुरू हो जाना फिर टाइम कोई लगना हाँ चाय पी के आ जा और सुराख जाना भाई आबदर जाना ओपन कर लिया तुम्हें कड्डन आला जेने सुराख कहते उपर भी नहीं जेना वह जी छत के उपर जेन बना लेंगे ना इटा वगैरह जी ला के तो उपर जी छत वगैरह बना लें बारिश का पानी जेना थले ना आवे वह बाई कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही जेन उसार लेने नाल नाल प्लस्तर कर देवे फिर काम जो थले का रह जाएगा उपरला काम जेना सारा एको दफा जेना खत्म कर लेंगे और मैं भी अज तो नहीं अज तो मसाला वगैरह लगे सवेरे जो पानी वगैरह लाया ना तो हल सारा कचरा वगैरह जेना समेट देवगा दूसरा दिन दुकान भी जेना बंद आ हूँ अगर मैं दुकान पर जेना खलो जावगा ना तो अदला काम जेना यह रह जाना और उत्थे नुमान नू नहीं बिठा सकता इस करके क्योंकि नुमान नू ना चीज़ों की जेना समझ नहीं है किराने का तो वे चलो जेना वो दे देगा समान लेकिन दूसरा समान है इस करके जेना नुमान नू नहीं बिठाया मैं चलो दो दिन छुट्टी हो जाएगी अदला काम हो जाएगा सुबह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जेना दुकान जेना खोलनी है हाँ जी तो भाई आबिद भी जेना चिमनी जेना बनाई खोते इतों जेना सुराखा चू जेना धुआं निकलता रहेगा और थोड़ी जी चैड़ी करके बनी है ताकि जो बारह जसन पानी नहीं निकले अंदर जाएगा हाँ पानी अंदर नहीं जाएगा इतने जेना बिल्कुल फिट बन गया क्योंकि पहले बन जाएगी हूँ फरज जन बड़ी जाएगा तो मजबूत हो जाएगी हाँ नाले उपरला काम खत्म हो जाए थले जाने सिर्फ चिमनी बनाव ही रह जाएगी हाँ जी तो अदली चिमनी तक जेना उपली अंगीठी जी जी ना हो गई मुकम्मल हूँ जेना छत न करता असी शुरू और इतनी तकरीबन जी ना छत हो गई बाकी जेना तकरीबन अद्धे घंटे तक जेना कंप्लीट हो जाएगी फिर जाके थले जाके दूसरा काम जेना शुरू करने और चिमनी उसारनी शुरू करने जी हूँ उसर गई बाकी जेना घंटे दो का जेड़ा काम हो सवेरे जेना इंशाल्लाह करा लवेंगे क्योंकि काम जेना हूँ दुएं वाला तो जेना कंप्लीट करना ने एवं तो अग बननी कोई नहीं थले चिमनी बनानी जेने किचन के अंदर जेना बहुत ही ज़्यादा जेने जरूरी और ऐली नुक्कर जी ना सा बह गई थलो जेना कड़िया वो लिफ गई ने ऐली नुक्कर जेने बैठी आ बाकी तो जेना छत ठीक आ
ਪੂਰੀ ਬਰਾਰ ਬਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸੱਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ हाँ जी तो कम जाना तकरीबन मुकम्मल होया खुत और मसाला भी जाना साढ़ा खत्म होया खड़ा इन्ना कि जाना रह गया मसाला जाना सू तकरीबन तीन चार बठल जाना होर बनाने पैने फिर जाके कंप्लीट होगा काम और दिन भी पिछले जाना हाल तक जाना घंटा डेढ़ पिया मेन का वो थले काम ही जाना चोन हो जाएगा बाकी जाना रह जाएगा घंटा तो जाना सवेरे बई आवेद आ जाएगा ना फर्स्ट टाइम ही हो जाना कर लवेंगे जी तो मैं भी आ गया थले भाई बरार भी आ गया मसाला जेना खत्म हो गया रेत जेना मेहन रहे ने रेत मेहन के उस तो बाद मसाला बना के जेना उपर लै जाना उपर जेना बना लवेंगे मसाला जेना थोड़ा ज़्यादा बना रहे भी जेड़ा मसाला बच गया ऐदली साइड तो जेना मतलब कि चिमनी वगैरह तो बनाने का कम होगा और बेगम साहब ने जेना कपड़े धो ले और तार से पा रही है सुकने और दिन सारे बच्चे निमान ने एपर लाया उन्हें नहीं खराब किया गया फातिमा ने लाया लीमा साथी ने जेना एपर सिर्फ खराब किया चलो ठीक है हाँ और सुबह की साड़ी दिहाड़ी जी ना मिस्त्री की लग जानी है मुकम्मल मुकम्मल इंज लग जानी है क्योंकि पहले तो जो सोच रहे थे भी घंटा दो सिर्फ जेना और चिमनी दे जेना लगने ने लेकिन जेना ए अली बारी है इन बंद करना और अलमारी जेना बर्तन वाली वह जेना बनानी है इस करके सुबह की मुकम्मल दिहाड़ी लग जानी क्योंकि फर्स्ट टाइम ए अली बनेगी चिमनी वगैरह जी ना को दो तीन बजे तक कंप्लीट होगी उस तू बाद तीन चार घंटे जेड़ा टाइम बचा ए अली जी अलमारी बर्तन वाली बनानी है क्योंकि ना बनाई तो उन्हें इधरों जी ठंडी हवा आएगी एक और ठंडी हवा नहीं आएगी दूसरे नंबर से गल है कि बर्तना रखने जी सहूलत अच्छी खासी जी मिल जाएगी और ए वाला जो फट्टा उतु जो लैवे शहर जो रैगजीन उपर जो चादर की जी पी रैगजीन लैवे ना तो रख के दुकान की बारली साइड पर रख के ना मतलब कि जो मैं लैन दी साबण दानिया ब्रश वगैरह हो गए यहोजी कुछ चीज़ा जो बहर फटे तो रखा ना ताकि दुकान की इंटरटेनमेंट होगी बहर जो देखेंगे समान जाना बिकेगा क्योंकि अंदर दुकान से नज़र ही नहीं आता इस करके बहर रख के ना बच्चों के खेडन वाली चीज़ा वगैरह जो उत्तर बहर जो फटे उपर जो रख लवेंगे अगर दुकान से शाम जो फटो में जाकर अंदर रख लिया तो सुबह दिहाड़ी मिस्त्री की जी मुकम्मल ही जी लग जानी है जी तो मसाला जेना बना लिया और उपर जो लैके आ गए और अद्धा मसाला जेना थले भी पे होया वो जेना कमरे के थले भी जेना अद्धा मसाला जेना पे बाकी जेना पिया इतने जेना ला ली सारा मसाला उपर नहीं लैके आया क्योंकि सारा लगना कुछ ज़्यादा बनाया भी थले भी जेना इस्तेमाल करेगा सीमेंट के तकरीबन दो भट्ठल पैसे उस हिसाब में जेना सारा सीमेंट का जेना मसाला बनाता तो इतना कि इतने लग जाएगा बाकी जेना थले जेना वार वगैरह जेना आ जाएंगे ना तो सुबह जाना तकरीबन अद्धी बोरी या बोरी और लैनी पौनी क्योंकि अलमारी जी वह भी बनानी आ सुबह की दिहाड़ी जी मुकम्मल ही लगेगी और इबरार भाई थलो जाना पैंप चलान गए ना पैंप चल जाता तो मसाला जाना बना के काम जाना इंशाल्लाह शुरू करने जी तो माशाल्लाह छत जी हो गई है मुकम्मल सिर्फ इन्नी जगह जी रह गई है सारी छत जी मुकम्मल हो गई है और बहुत ही ज़्यादा जी छत जी खूबसूरत लगन गिया और उतों न रख के इंज करके जी पक्या हो गई ने इतने मसाला जो इन्ना क रह गया तकरीबन जो डेढ़ एक बठल और इन्ना कि जो लगना है तोड़ तिकर जो जरी जी जो मसाला वगैरह जो आना इंज करके पहले जो थोड़ा जो होना नरम मसाला कर रहे हैं पहले जो थोड़ा जो हार्ड मसाले जाना जोड़ जाना यह पूरा किया इन्हें उपर नरम मसाला जो बीट के उपर जो फट्टी छेक के जो तमाम लेवल हो जाएगा हाँ इतने जहाँ मुकम्मल छत हो गई नहीं बरार बड़ा सोहना काम हो गया है ना और उस चिमनी का जो पहले काम मुकम्मल किया भी दोबारा छत चाण तो बेहतर आ पहले जो काम मुकम्मल कर लिए धुएं वाला और उपर जो चेड़ा रखे थलो सुराख छोटा रखे इस करके भी धुआं निकल आए बारिश का पानी जो अंदर ना जाए हाँ जी तो असं भी जो थले आ गए और इधरों जो दो बार जो पट्टे ने इटा के फिलहाल जो इस कदलों
ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਔਰ ਚਿਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਬਦ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਰਾਖ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾ ਰੁਕੇ ਬਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੁੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਕਰੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਫਿਰ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਬਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਹੈਦਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਆ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਬਰਾਰ ਬਾਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਿਓ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਵੇ ਤੇ 100 ਕਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ 150 ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚਲੋ 50 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਟਿਆਂ ਦੀ 100 ਇੱਟ ਹੋਰ ਪੱਟਣੀ ਪਾਉਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੱਟਿਆਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ 3-4 ਵਾਰ ਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆਵੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੁਬਹ ਫੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੀ ਟੋਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲੈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸਰ ਗਈ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਰਸ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਝ ਗੋਲ ਓਕ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੌੜੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੈਂਪ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਦੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਵੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਐਂ ਸਲੇਪ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੋਰ ਉਸਰ ਜਾਵਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਆਹ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੋਰ ਉਸਰ ਜਾਵੇਗੀ 2 ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨੇ ਬਣ ਜਾਵਣਗੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਸਿੰਕ ਇੱਧਰ ਇਸੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਮਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਬਰਤਨਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਰੀ ਬਰਤਨ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ VIP ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੋੜਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਬਸ ਉਹ ਨੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਪਿਆ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨੁੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਨਿਉਂ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੰਕ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦੋਣੇ ਸੁਬਹ ਭਾਵੇਂ ਧੋ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਠਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉਸਰਨੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਬਹ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਕਿਲੋ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਠਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰੀ ਜੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਸੀਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜੇ 2 ਬੱਠਲ ਵਧਣ ਨਾ 2.5 ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਬਦ ਬਾਈ ਜਿਤਨਾ ਥੱਲੇ ਤਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਸਿੰਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਪੈਂਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ
ख्याल रखन लगे इस तरह कपड़ा इस तरह रखा मैं कि जो सीमेंट वगैरह डिगया ना थले जाए ना सुराख ना बंद हो जाए इस करके उपरों साफ सफाई करती भैया अब ठीक है ना हूँ हाँ और बड़ा ही वधिया आ सब तो बेस्ट काम हो गया बाकी अल्लाह पाक का लख लख शुक्र आ छत जी बन गई है बहुत ही ज़्यादा जो खुश हो रहे हैं और जी आज दाला विलाग भी जो कर रहे हैं इतने खत्म इंशाल्लाह मिलने एक से नेक्स अच्छे तो अच्छे विलाग के अपना ढेर सारा ख्याल रखे जी दुआवा जी याद रखे जी और बेगम साहब जी हूँ बना रहे हैं अंडा शाम दे चलो ठीक है तुम जो बनाओ तो इंशाल्लाह इन्होंने दुआवा दे इजाजत अल्लाह हाफिज़।